अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन जो अक्सर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं, उनका कहना है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक राष्ट्रीय एजेंडा है। हाल ही में ऐश्वर्या IMC द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कोकिलाबेन अंबानी, सोनू निगम, रोनित रॉय, अमृता रायचंद और शबाना आजमी के साथ उपस्थित थी। स्मृति राय ने महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हुए कहा, आई थिंक दैट फॉर इंडिया स्पेशली एन इंडियन क्राफ्ट द टाइम इज कम वेयर आर डिज़ाइन एंड आर प्रोमिनेंस इन दैट आई फॉर क्रिएटिंग समथिंग नीश इज प्रोजेक्टेड एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म दैट IMC वुमेन्स विंग इज गिविंग। I think that one of the stalls was a great exhibition of bringing the old and the new India together, and the fact that a woman entrepreneur became the bridge between craft legacy and the entrepreneurial prominence and promise of Indian women is something to behold, is something to celebrate, and I'm hoping that we see more and more such women come to the fore, because the fact is that if you want to keep creativity alive, what better person to keep that creativity alive in our society than a lady who gives birth to creative forces in our society. वहीं ऐश्वर्या ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के महत्व के बारे में बात करते हुए कहा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज द नेशनल मंत्र एंड सपोर्टिंग दिस एग्जीबिशन आई हैव द ऑनर इन सपोर्टिंग द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो आई थैंक यू ऑल सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर विद यू ऑल। फिल्म की बात करें तो ऐश्वर्या को हम हाल ही में रिलीज हुई फिल्म फनेखा में देख चुके हैं। इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार और अनिल कपूर भी अहम किरदार नजर आए थे। ऑनेस्ट रिपोर्ट।